तो यहाँ पे जो ये वाला एग्जैक्ट ये रूट जा रहा है यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे कुछ बोट भी दिखाई दे रही है, पता नहीं ये बोट का क्या सीन है। एक तो बोट मेरे को वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग इधर घूमने आए क्या? नहीं, हम बोट ऑपरेटर हैं। अरे तो ये बोट जब फुल होती है तभी जाती होगी। कोई आया नहीं अभी? फुल का मतलब मिनिमम 10 मेंबर्स होने बाद हम ले जाएंगे बोट। ओहो, मेरे साथ तो मेंबर ही नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मैं इंतजार करता हूँ। लोग आ रहे हैं क्या अभी? अभी ये कहाँ, यहाँ से वहाँ तक जाती है पूरी, फिर वहाँ से वापस आती है आने का? अच्छा, वहाँ छोड़ देता हूँ। अच्छा, बताऊँ ये जो आपको लेक दिखाई दे रही है ये आर्टिफिशियल है। यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस है करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास। और एक बोट में मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए? 10 बंदे, मिनिमम 10 मेंबर्स होंगे तभी ये बोट यहाँ से वहाँ जाएगी। तो भाई मैं तो अकेला हूँ, मैं इंतजार करता हूँ, कोई लोग आए तो उन्हीं के साथ मैं भी चला जाऊँगा। और मैं आपको चार्ज बताता हूँ, यहाँ से वहाँ तक अगर आपको केवल यहाँ से वहाँ तक जाना है तो 50 रुपीज़ जो कि नेपाली करेंसी में, और अगर वापस आना है तो टोटल 100 हो जाता है। फिलहाल मेरा एम है कि मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँ, और आने का मैं उसके बाद देखूँगा, पहले वहाँ तक जाते हैं और बोट राइड देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लोग जाने वाले तो मैं इनके साथ ऐड हो जाऊंगा। तो मैं याले ग्रुप के साथ आ सकता हूँ? ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं याले ग्रुप के साथ चल जाता हूँ, क्योंकि मिनिमम 10 मेंबर्स होनी चाहिए तो मैं याले में ऐड हो जाऊंगा। यहाँ बोट का टिकट ये है 1 वे 50 रुपये, 50 नेपाली रुपीज़ नेपाली करेंसी में। और ये ग्रुप में जा रहे हैं इधर सब लोग, मैं भी इधर ही चढ़ जाता हूँ। आप बोट ऑपरेटर है मेरे ख्याल से, कितनी स्पीड में भगाओगे इसे? इसको स्पीड नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। बैठ जाओ, मैं यार मैं इधर बैठ जाऊँ कहीं जहाँ से मुझे नज़ारा मिल सके। ठीक है, बैठ, यहाँ बैठ जाता हूँ मैं। आप तो पीछे से ऑपरेट करोगे? चलो मैं यहाँ पीछे ही बैठ जाता हूँ यार आपके साथ ही, यहाँ इधर ही बैठ जाता हूँ यार मैं, यहीं बैठ जाता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे अलग अलग कंट्री से लोग आए हैं, देखो आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग नेपाल के हैं शायद आप लोग। और आप लोग कहाँ से? वेयर आर यू गाइस? इंग्लैंड। ओके ओके ओके, तो देखो अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, और मैक्सिमम जो लोग मैंने देखे वो यूपी वाले बॉर्डर से, इंडिया से इधर आते हैं। उत्तराखंड के मेरे को कोई अभी मिला नहीं है इधर तक, सब यूपी के ही मिले हैं मेरे, है ना। तो अभी बोट राइड करते हैं। ये कम्प्लीट हुई हमारी बोट राइड भाई। बोट राइड कम्प्लीट करने के बाद अब मेरा एम है उधर की तरफ जो एरियाज दिख रहे हैं सामने आपको, टेम्पल्स बाकी के मॉनेस्ट्री दिख रही है वो एक्सप्लोर करना। हम उधर के लिए रास्ता पहले पता करते हैं। तो यहाँ पे आपका बोट्स वगैरह रुकती हैं, तो बोट्स वगैरह जहाँ पे रुकती हैं उससे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके राइट साइड में इधर की तरफ बाकी की मॉनेस्ट्री हैं, तो वो देखने अभी मैं चलता हूँ, बहुत टाइम है मेरे पास आज। अभी इधर के एरियाज़ की मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं, और एक उधर एक स्तूप भी दिख रहा है बढ़िया सा, आपको वो भी दिखाते हैं। लेट्स सी, वहाँ पे चार्जेस पता नहीं क्या है अभी हमारे एंट्री के इंडियंस के ना, देखते हैं। चलो भाई चलते चलते मैं पहुंच गया मॉनेस्ट्री के एकदम बगल वाली रोड पे। तो एग्जैक्ट मेरे बगल में आपको मॉनेस्ट्री दिखाई दे रही होगी, इधर से पूरा उधर तक है, तो जाने का रास्ता मेरे ख्याल से उस वाली साइड से है कहीं, तो देखते हैं पहले रास्ता ढूंढते हैं। पहले मिल गया एंट्री का रास्ता, मैं तो सो रहा था भाई मैं आगे आगे तक चलता हुआ जाऊँगा। तो जो आपको ये बगल में रोड दिखाई दे रही है या जिससे बाइक आई, उससे क्या बोलते हैं आप राइट साइड को आ जाइए, तो आपको ये यहाँ पर मॉनेस्ट्री दिखाई देगी। चलो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे जाने का क्या प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस है भी या नहीं है। यार मेरे ख्याल से बन रहा है शायद, हाँ मुझे लग रहा है ये वाला नया बन रहा है शायद, मुझे लग रहा है कुछ ऊपर तो ऐसा ही दिख रहा है, वहाँ रिनोवेशन का काम। यहाँ पर एक और मॉनेस्ट्री, ये वाली जो मॉनेस्ट्री है सिंगापुर मॉनेस्ट्री है, जो सबका बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, आप लोग समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज़ की मॉनेस्ट्री आपको दिखाई देंगे, टेम्पल दिखाई देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं जितना एक्सप्लोर कर पाता हूँ, क्योंकि सुनने में आया कि क्या बोलते हैं यहाँ से आगे तक और उधर से भी उधर तक बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो मुझे पता नहीं मैं आज कितना एक्सप्लोर कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास गोप्रो में बैटरी भी ज़्यादा नहीं है भाई, मेरे पास एक बैटरी और बची है बस। अब देखते हैं कितना एक्सप्लोर हो पाते हैं और कितनी बैटरी हम बचा पाते हैं, है ना। तो अंदर मेरे ख्याल से चल रहा है अभी इनका प्रेयर का टाइम है, क्योंकि अंदर से आप अगर आवाज़ सुने, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, पर ध्यान से सुनो एक बार,
घंटी होगी, आवाज़ आ रही होगी आपको ये, और ड्रम की आवाज़ आ रही होगी हल्के हल्के। तो यहाँ पे अभी प्रेयर चल रही है और बाहर से लिखा है कि आप जूते चप्पल खोलकर अंदर आ सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अंदर होके आता हूँ, एक बार फील करके आता हूँ कैसा इन्वायरमेंट हो रखा है अंदर का, है ना। अंदर कैमरा तो ले जा नहीं सकते, है ना। अंदर का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग कहने से मतलब जब आप अंदर जाते हैं। उस तो मैंने नोटिस करा बहुत से लोग जो इधर आ रहे हैं वो केवल फ़ोटो खिंचा के वापस चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। तो मैं जूते खोल के जब अंदर गया तो मैंने देखा छोटे छोटे जो मॉन्क हैं, बच्चे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, और जो ड्रम वगैरह है वहाँ पर, ढोल हैं, वो घंटियाँ हैं, वो बजाने में लगे हुए हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसका फील ही अलग है। मैं कुछ मिनट वहाँ खड़े होकर मैंने जब विटनेस की ये चीज़, मैं वहाँ खड़े रहा तो भाई एक अलग ही एक्सपीरियंस है, सही बताऊँ इन चीज़ों का भी। तो आप लोग जब मंदिर आओ ना, केवल फ़ोटो मत खिंचाओ, अंदर भी चले जाओ, है ना। तो वहाँ पे भगवान बुद्ध की, क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध की तीन तीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां, और अलग ही फील है सही बताऊँ तो अंदर। तो अभी अब मेरे को सामने एक जगह दिखाई दे रही है, उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं उसका रास्ता कहाँ से है, है ना। और ये पीछे जो आपको स्तूप दिखाई दे रहा है इधर की तरफ, आप इसकी तरफ चलते हैं अपन। चलो, मैं यहाँ पे घूमता जा रहा हूँ, बस घूमता जा रहा हूँ। मेरे को एग्जैक्ट तो पता है नहीं कहाँ का रास्ता कहाँ से है, पर मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, जहाँ से रास्ता मिल जा रहा है मेरे को मैं जा रहा हूँ। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भाई, कसम से बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला है ये जो लुम्बिनी में, क्या बोलते हो, ये टेम्पल्स है ना, मॉनेस्ट्री हैं इधर। ओ भाई साहब, बहुत ही बड़ा एरिया है कसम से। और सुनने में आया था कि ये करीब 5 बजे बंद हो जाता है। देखते हैं, अभी 3:45 हो चुके हैं, अभी मेरे पास करीब 1 घंटा तो है वैसे ना एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखते हैं और क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं जी। हमें यहाँ जाने का रास्ता तो मिल गया, और इसके बगल में भी आप देखो तो पॉन्ड है, तालाब है। अंदर चलते हैं आगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा लोगों का क्राउड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, उधर तो दिखाई नहीं दिए। ये लोग मेरे ख्याल से इधर की तरफ से घूम के ये सारे इधर आ चुके हैं, तो हम भी चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो इस तालाब के एग्जैक्ट सामने है ये वाला स्तूप, ये रहा इसका गेट। और जूता चप्पल आपको अगेन बाहर खोलने पड़ते हैं, मैंने इधर के डायरेक्शन में खोल दी इधर सामने, और चलते हैं अंदर। तो अभी मैं जिस जगह पर हूँ उसको अंकल ने बताया तारा फाउंडेशन भी बोला जाता है इस जगह को, और इसी को बोला जाता है जर्मन टेंपल। अब यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के आपको टेंपल देखने को मिलेंगे, मॉनेस्ट्री देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट मेरे पीछे आप लोग देखिए यहाँ पे ये, तो देखने में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। ऊपर देख के आते हैं, बाहर से देख के आते हैं एक बार कैसा लगता है। ये वाली मॉनेस्ट्री है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इसके अंदर भी भगवान बुद्ध की, क्या बोलते हैं, मूर्ति रखी गई है। और यहाँ पे तरह तरह की पिक्चर्स भी बनी थी। अब पिक्चर्स में मेरे को ऊपर एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब मैं उसमें देख रहा था पेंटिंग में, तो गौतम बुद्ध, क्या बोलते हैं, वहाँ पे बने हुए थे, और उनके पास कुछ उनके फॉलोअर्स की इमेज बनी हुई थी, पिक्चर बनी हुई थी, जो कि उनको प्रणाम कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने नोटिस करा कि हमारे जो महादेव हैं, शिव जी हैं, और विष्णु जी हैं, और क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो भी बैठे हुए थे। तो मेरे को वो समझ में नहीं आया क्या सीन था एग्जैक्ट। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे तो गौतम बुद्ध जैसे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके फॉलोअर्स हो गए, अनुयायी हो गए, ये बैठे हैं, पर ऐसी अंदर पिक्चर्स बनी है जहाँ पे शिव जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं उनके पास। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो भाई कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। ओ हो, ये तो बहुत ही स्पीड में घूमने वाला है भाई साहब, ये देखो बढ़िया। तो ये जो आप मेरे पीछे ये चीज़ देख रहे हैं, इसको गुम्बा बोलते हैं का, और एक अंकल बोलते हैं माने टाइप का भी कुछ नाम है, माने भी कहते हैं। तो पता नहीं इसका एग्जैक्ट क्या सीन है, आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइए। भाई ये बहुत ज़्यादा हैवी है कसम से, ये ऑडियंस कहेगी तो इसे घुमाते टाइम कितना बोलता है भाई, कहीं तो शांत रहेंगे करो। ऐसा कुछ है इसका सराउंडिंग, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वीडियोस वगैरह बनाते हुए। मैं वीडियो बना रहा हूँ पर टिकटॉक नहीं बना रहा हूँ, तो बाहर से स्पेसिफिक लिखा है कि टिकटॉक इज़ प्रोहिबिटेड है, तो टिकटॉक वालों को मना है यहाँ पे, है ना। पता नहीं हमारे इंडिया में तो बैन है, अब नेपाल में टिकटॉक बैन है नहीं इसका मुझे पता नहीं, पर बाहर से उन्होंने लिखा ज़रूर है,
बैन नेपाल में भी बैन है? नहीं बैन है, नेपाल में नहीं है ना, तभी नेपाल वालों के लिए लिख रखा। आप नेपाल से? ओह माय गॉड सॉरी, नाराज हो ना कहीं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोगों ने गलत टाइप के टिकटॉक बनाने स्टार्ट कर देंगे, तब बाहर से लिख दिया होगा इन लोगों ने। लोग कुछ अलग ही कर देंगे, क्या कह सकते हैं, जो कि सामाजिक ना हो ज्यादा, है ना। हाँ लोग फिर अजीब सी हरकतें कर रहे होंगे ना। ठीक है, आप लोग तो नहीं कर रहे हो ना। ठीक है ठीक है, हमारे इंडिया में तो बैन है टिकटॉक यार। मौज अच्छा पता नहीं है, मैं तो देखा नहीं ये सब आइटम। मौज है, टिक्की टिक्की क्या बोलते हैं हम, टिक्की टिक्की मौज ही भी है, टिक्की टिक्की है मौज है। और क्या तो अगला टेम्पल है, उसका नाम है लिनसेन टेम्पल लुम्बिनी नेपाल। तो आपको दिखाते हैं, बाहर से ऐसा दिख रहा है पर बगल में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई दे रही है, जो कि है गौतम बुद्ध की वो बड़ी सी मूर्ति। वो आपको दिखाते हैं, रुको एक मिनट। अब यहाँ पे क्योंकि आपको हर जगह जूते उतारने पड़ते हैं, इसलिए मैंने प्रीफर करा कि इस बार हाथ में ही जूते ले लिए जाए, है ना। और यहाँ पे अगेन बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से जितने लोग हैं लगभग नेपाल के ही हैं। जो इधर देखो मेरे पीछे की डायरेक्शन में जो लोग जा रहे हैं ना, मैक्सिमम नेपाल के हैं मुझे ऐसा लगता है, उनकी लैंग्वेज से पता चल रहा है। एंड आगे ये वाला, अब ये पता नहीं किसका टेम्पल नेपाल वालों का है किसका है। तो आपके सामने है गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति प्रतिमा, और मैं उधर से तो ऑलरेडी घूम के आ चुका था, फिर मैं इधर भी चले गया, फिर मैंने कहा चलो घूम के अब ये स्किप ना हो जाए इसलिए ये भी देख लेते हैं। आपको भी दिखाते हैं, रुको। जब से मैं लुम्बिनी आया हूँ मैं बहुत सारे टेंपल देख चुका हूँ भाई, मुझे पता नहीं मैं व्लॉग में आप लोगों को इतने सारे टेंपल दिखा भी पाऊँगा या नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि भाई हर एक कंट्री ने यहाँ पे जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म जो है वो गया है और फैला हुआ है, उन्होंने एक एक क्या बोलते हैं यहाँ पे टेंपल बनाया। जैसे मैंने सिंगापुर का आपको दिखाया, जर्मनी वालों का दिखाया, और शायद ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी बना रखा है। और फिर ये जैसे मूर्ति होगी, फिर आगे की तरफ और टेंपल हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो पैसेज जा रहा है जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर भी अलग से और टेंपल है। अभी मैंने आपको ये वाली साइड दिखा दी थी, मेरे कहने एक चीज़ रह गई थी जो कि ये वाला टेंपल, ये वाले टेंपल के अंदर भी चलते हैं जी। चलिए, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पे भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि तो अंदर आवाज़ आ रही है मशीनों की, और यहाँ पे भी चलते हैं फिलहाल तो अंदर, देखते हैं क्या सीन है अंदर का। इसका नाम है नेपाल वज्रयान महावीर। ओके, तो इस जगह का नाम है नेपाल ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट एसोसिएशन नेपाल वज्रयान महावीर। चलो इसके अंदर चलते हैं, जूते खोलते हैं पहले। लो जी एक और टेंपल आ गए हम, ये वाला है भाई, इसका नाम मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ, ये बड़ा खतरनाक सा है यार। इसका नाम है क्यानाडा ट्रांगू वज्र विद्या एसोसिएशन। तो यहाँ चलते हैं अंदर की तरफ, ये रहा बड़ा सा गेट और सामने है फिर से टेंपल। हवा बहुत बढ़िया चल रही है यार इधर पे देखो, और अभी गोप्रो की बैटरी 1%। सामने देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो मॉन्क हैं वो शायद अभी प्रार्थना कर रहे, तो अपने को आवाज़ आ रही है ना। और जहाँ तक मुझे लगता है फिर से टेंपल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी, तो अगेन मैं आपको बाहर से ही नज़ारा दिखा पाऊँगा, आपको बाहर से नज़ारा एक बार दिखाता हूँ कैसा लगता है। इतने सारे टेंपल एक्सप्लोर करने के बाद भी अभी बहुत सारे टेंपल बचे हैं, तो ये वाला जो टेंपल आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है कोरियन मंदिर, कोरियन टेंपल। तो अगेन इसमें भी अंदर से तो फोटोग्राफी नहीं कर सकते, पर आपको हम बाहर से इसका नज़ारा ज़रूर दिखाते हैं भाई। कोरियन वाला ना सबसे अलग लेवल है भाई, सीरियसली कोरियन वाला सबसे अलग लग रहा है भाई, ये अलग ही बड़ा सा लग रहा है, 1-2-3 मंजिला है भाई, ये सबसे अलग है कसम से। ये कोरियन वाला सबसे अलग लग रहा क्यों?
भाई इन लोगों ने बढ़िया बना रखा है। तो आपको मेरे पीछे जो टेंपल दिखाई दे रहा है ये है यहाँ का कोरियन टेंपल, जैसे कि सारे के सारे थे सिंगापुर वाला था, कनाडा वाला था, ऐसे ये है कोरियन टेंपल। पर अनफॉर्चुनेटली अभी 5:06 हैं, करीब 4:54 हो रहे हैं, 5 बजे सबकी टाइमिंग है कि ये बंद हो जाते हैं टेंपल। तो मेरे ख्याल से शायद ये वाला टेंपल भी इन्होंने बंद कर दिया टाइम से 6 मिनट पहले एटलीस्ट। अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, आपको बस नज़ारे ही दिखा सकते हैं इसके भाई, और कुछ नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती तो खुलवा नहीं सकते। वहाँ पर एक अंकल बैठे थे, हम पहले उनसे बोलने वाले थे पर वो मुझे लग नहीं रहा कुछ रिस्पॉन्स देने वाले, तो बाहर से ही नज़ारे दिखाते हैं आपको। तो आप नेपाल में जब इस जगह पे आते हैं लुम्बिनी में, तो आपको हर जगह साइन देखने को मिलेंगे टिकटॉक प्रोहिबिटेड। तो अभी इस जगह का नाम है लुम्बिनी धर्मोदय स्वयंभू महाचैत्य करके। तो ऊपर चलते हैं आपको दिखाते हैं बढ़िया। ये वाला है यहाँ से एंट्री के लिए आपको सीधे सीढ़ियाँ दी हैं। तो आप लोग इसका अगर भाई स्ट्रक्चर देखो ना, बहुत ही बड़ा है ये कसम से, बहुत बड़ा। वो देखो वहाँ पर भाई लोग कितने छोटे लग रहे हैं इस स्ट्रक्चर के सामने। चलते हैं आपको दिखाते हैं, ये देखो ऊपर देखो आपको, ये स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है भाई कसम से। शाम हो चुकी है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 5 बजे सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो अभी 5 बज चुका है। जो टेंपल है बेसिकली, जैसे ये वाला जो है ये मेरे ख्याल से म्यूज़ियम है, संग्रहालय है, तो ये भी बंद हो चुका है। तो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जैसा कि हम सारे यहाँ टेंपल्स में करते हुए आए हैं कि हम गोल गोल चक्कर घूमते हुए आए हैं। जैसे हम अभी वहाँ से आए सीढ़ियों से, तो हम सीधे अपने बाएं हाथ की तरफ जो कि है लेफ़्ट, यहाँ से होते हुए ऐसे रोटेशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बौद्ध धर्म है यहाँ पे, उसमें नीचे वहाँ लोग बैठे थे, उस संप्रदाय के कहूँगा मैं, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप ऐसे लेफ़्ट में होते हुए चाहिए। तो फ़िलहाल मैं अभी लेफ़्ट से होते हुए जा रहा हूँ, और आपको एक बार मैं नीचे वाले लेवल से दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो भाई ये कसम से बहुत बड़ा है ये, सीरियसली ऐसे दूर से देखने में आप लोगों को पता नहीं गोप्रो में अंदाज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर ये बहुत ही बड़ा है। आज मुझे लगता है मैं सुबह से बहुत ज़्यादा ही बोल चुका हूँ यार कसम से, है ना। तो यहाँ पे खिड़की से अगर हम नीचे झाँक के देखें, मेरे ख्याल से जो नीचे संग्रहालय बना रखे हैं वहाँ पे एक गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति है। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की गोप्रो से, हाथ से तो हमें ऐसे आँखों से दिख जा रहे हैं झाँक के, पर मैं देखता हूँ गोप्रो को नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है। ओह दिख रहा है, दिख रहा है, ओह देख रहे हो आप लोग अंदर, वो जो मूर्ति है बहुत बड़ी है भाई। पर गोप्रो में तो बहुत छोटा लग रहा है ये ना, इतना छोटा सा, पर अगर आप उसके पास मेरे ख्याल से मैं इमेजिन करता हूँ अगर जाएंगे तो वो बहुत ही बड़ा है। और अभी उस पर लाइट भी पड़ रही है, सनलाइट बढ़िया सही है। और क्या दिखाएं आपको, अभी इतना ही दिखा सकते हैं। तो जब आप यहाँ आते हैं आपको स्तूप पे स्तूप दिखाई देंगे, जैसे एक ये वाला हो गया, फिर उसके बाद उधर सामने के डायरेक्शन में एक ये वाला है, और मेरे ख्याल से एक ये छोटा वाला भी है। तो यहाँ पे टोटल 1, 2, 3 और वो चौथा वाला, 4 स्तूप हैं टोटल। आप लोगों ने जैसा कि देखा था जब मैं यहाँ से जा रहा था बोट राइड करते हुए, जो सामने बोट्स लगी हैं, तो मैं यहाँ से सीधे गया था और मैं वहाँ पहुँचा था। तो अभी मैं ये जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है वो पूरा एक्सप्लोर करते 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 मॉनेस्ट्री दिखाते हुए आपको टेम्पल दिखाते हुए यहाँ पर वापस आ गया हूँ। और पता है आपको मेन बात क्या, जो अपोजिट डायरेक्शन में है उधर भी मॉनेस्ट्री और टेम्पल है, तो उधर भी सेम डिस्टेंस में ऐसी 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 बहुत सारी मॉनेस्ट्री हैं भाई। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं इतना ही एक्सप्लोर मेरे ख्याल से कर सकता था आज। ठीक है, पीस फ्लेम, तो आपको सामने एक फ्लेम जलती हुई दिखाई दे रही होगी, ज्वाला जिसे कहते हैं, ये कंटिन्यू जलती रहती है मेरे ख्याल से। सर ये कंटिन्यू जलती रहती है क्या, यह हमेशा जलते रहता है? तो जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में होता है ना धुनी जलती रहती है कंटिन्यू, ऐसी यहाँ पे भी ये कंटिन्यू धुनी की तरह ही है मेरे ख्याल से, ये भी कंटिन्यू जलती रहेगी ऐसी शायद। ओ अच्छा हुआ मैंने इधर भाई ड्रोन नहीं उड़ाया, देख रहे हो आप, यहाँ पे कॉशन सावधान, बिना अनुमति ड्रोन यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ड्रोन नो ड्रोन जोन सॉरी। तो अभी आप अगर देखें तो वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा
हो गई है बहुत सारी क्योंकि शाम हो चुकी है। अब क्योंकि शाम हो चुकी है तो एक काम करते हैं, क्योंकि अभी मुझे सामने के डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है वर्ल्ड पीस पगोड़ा जो विश्व शांति स्तूप है, एग्जैक्ट ये इस सीध में सामने की तरफ जो कि गोप्रो में पता नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी मेरा क्या प्लान है कि सीधे होटल जाए, वहाँ से अपनी बाइक पकड़ी जाए, और क्योंकि वो जो शांति स्तूप है वो वाला उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं पैदल ऑलरेडी ये वाले रूट से तो होके आ चुका हूँ वापस दो बार। हेलो मैम, ठीक है। तो अभी क्या है कि सीन मैं वाले से तो रूट से होके आ चुका है ना दो बार, तो अब मैं जाऊँगा सीधे होटल, बाइक पकड़ूँगा और मैं जाऊँगा सीधे विश्व शांति स्तूप वाले रूट की तरफ। आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में, बहुत थक गया मैं बोल बोल के आज भाई। तो अभी हो रखा है 7:34 और अभी मेरा प्लान है कि अभी मैं जाने वाला हूँ सीधे एक जगह है जिसका नाम है विश्व शांति स्तूप, तो अभी उधर की तरफ चलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आज ही पेट्रोल भी डला लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना सीन, एक तो पेट्रोल पंप मिलते नहीं है और दूसरा सुबह के टाइम पे खुलते नहीं है, 7:30 तक खुलते हैं। तो एक काम करते हैं अभी चलते हैं, पहले मैं इसमें डायरेक्शन ऑन कर लेता हूँ, वरना पता चला मेरे को डायरेक्शन भी पता नहीं चल रही है कभी कभी। तो चलते हैं सीधे उधर की तरफ। तो ये अच्छा मैं होटल का नाम बताना भूल गया यार आपको, ये जो होटल है जिसमें मैं रुका हूँ इसका नाम है होटल प्रेसिडेंट, ठीक है, लॉज एंड रेस्टोरेंट। तो अगर आप लोग आते हो यहाँ पे रुक सकते हो, अभी तक इनका बिहेवियर भी अच्छा है और सब कुछ ठीक है। पर एक बात मुझे पता नहीं चली, मेरी बाइक के लाइट का कनेक्शन ढीला हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लुम्बिनी में जब आप आते हैं तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे रास्ते अंदर की डायरेक्शन में इधर उधर होने में लगे हैं, तो मैंने सोचा गूगल मैप्स ही ऑन करके चला जाए इस बार। तो चलो आपको घुमा के लाते हैं विश्व शांति स्तूप, है ना। यहाँ से रास्ता आगे वाले से मर्ज हो रहा है। चलो यहाँ पे तो बढ़िया लाइट्स हैं यार इस वाले एरिया में, वैसे क्या मजा आता है ना स्पीड में जाने में, बस कोई पुलिस वाला ना देख ले, बात इतनी सी है। इसको फुल कर दीजिएगा, फुल कर दीजिए, फुल टैंक फुल कर दीजिए। चलो पेट्रोल पंप कितने बजे बंद होता है इधर? हाँ पेट्रोल पंप बंद होने का टाइमिंग, क्लोजिंग टाइम, कोई भरोसा नहीं है, कोई 8 बजे बंद करता है, कोई 7 बजे बंद करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ से ही जाता है, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। आपका नाम क्या हुआ सर? क्या मतलब? हाँ आप, नहीं नहीं चैनल है मेरा एक द पहाड़ी वेंचरर नेम से, देखिएगा आप। ओहो तो ये वाला रास्ता जाता है, अरे रास्ता जाता तो है पर जाता कहाँ से है भाई? भैया ये जो शांति स्तूप है उसके लिए रास्ता कहाँ से जाता है? नहीं नहीं बंद तो हो गया, ऐसे ही देखना है बस। ये जो कच्चा वाला जा रहा है यही जा रहा क्या? अच्छा ठीक है, ओके जी। तो ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है यही जा रहा है विश्व शांति स्तूप की तरफ, देखो सब वहाँ देख के घर चले गए हैं और मैं रात को आ रहा हूँ यहाँ अंधेरे में जगह एक्सप्लोर करने। ऐसे तो मेरे हाल हो रहे हैं, बताओ देखो क्या करें, दिन में भाई सब एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बहुत बड़ी जगह है ये कसम से एक्सप्लोर करने के लिए भाई। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्व शांति स्तूप एग्जैक्ट मेरे सामने और रात को ये अभी बंद है भाई। देखो इसमें लिखा है ना 6 बजे बंद हो जाता है। अब मैं आपको, मैं तो सोच रहा था व्लॉग बनाऊंगा बढ़िया, पर पता नहीं आप लोगों को वो सामने दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आप लोग जो सामने देख रहे हैं वो है विश्व शांति स्तूप। मैं तो अपने साथ कैमरा भी लाया था, सोचा था फोटो खींच लूंगा, पर ऐसा कुछ है तो नहीं यार अभी फोटो खींचने लायक। गेट बंद, गेट क्लोज 6 PM, क्या करें। चलो कोई बात नहीं यार, अब क्या ही कर सकते हैं ना। अबे यार
अच्छा इसमें लिखा है ओपनिंग आवर्स, अच्छा ये जाड़ों के टाइम पे सितंबर से मार्च 4:30 से 6 बजे तक खुलता है और अप्रैल में 4:30 से 6:30 बजे तक खुलता है, अप्रैल से अगस्त। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं हम वापस उधर की तरफ और क्या करा जाए, और कुछ अभी करने को है ही नहीं मेरे पास कसम से, तो अब चलते हैं वापस, काश खुला होता गेट। तो चलो कल सुबह ही मिलते हैं यार, अब जब मैं पोखरा के लिए निकलूंगा ना सुबह, तब ही आपसे लोगों से बात करेगा मैं, क्योंकि अभी मैं थक गया माँ कसम। 230 किलोमीटर प्लस उसके अलावा पैदल, तो थोड़ा मैं अभी थक ही गया यार सही बताऊँ तो। चलता हूँ मैं, बाय।